चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं उन माननीय की जिनकी ख्वाहिश कुछ बनने की है, हालांकि अभी वो विधायक हैं। अभी विधायक हैं लेकिन तमन्ना कुछ और बनने की भी है। वो पहले बाइक में सवार होकर विधानसभा जाया करते थे लेकिन अब तो उनके पास लग्जरी कार है और अब उनकी तमन्ना हेलीकॉप्टर वाले नेता बनने की है। और पुनीत इसीलिए कहा भी जाता है कि तमन्नाओं का कोई अंत नहीं होता है। यही नहीं, वो तो प्रदेश के मुखिया बनने के भी सपने देख रहे हैं। आखिर कौन है ये माननीय? जाहिर सी बात है आपके मन में भी सवाल ये कर रहा होगा कि ये है कौन, तो रिपोर्ट में दिखा देते हैं आपको। बाइक कार और अब हेलीकॉप्टर, विधायक जी की एक और तमन्ना, अब बनना है हेलीकॉप्टर वाला नेता। गृह मंत्री की फिर सीएम बनने की तमन्ना। कभी बाइक से विधानसभा पहुंचने पर विधायक जी चर्चा में आए और फिर नई कार लेकर सुर्खियों में आ गए। अब फिर से विधायक जी की एक और तमन्ना है, अब वो हेलीकॉप्टर वाले नेताजी बनना चाहते हैं। मैं तब चुनावों के बाद में मैं कार से हेलीकॉप्टर वाला नेता बनने की इच्छा है मेरी। ये है रतलाम जिले की विधानसभा सलाना से विधायक कमलेश्वर डोडियार, जो इन दिनों खूब सुर्खियों में है। इस बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे तो नेताजी ने लग्जरी कार ले ली, जो खासी चर्चा में रही थी। चर्चा इसलिए रही क्योंकि विधायक बनने के एक महीने में नेताजी ने नई कार ले ली, अब नेताजी हेलीकॉप्टर लेना चाहते हैं। ये नहीं, विधायक जी की तमन्ना बहुत कुछ बनने की है। वो गृह मंत्री, फिर डिप्टी सीएम और इसके बाद सीएम बनना चाहते हैं। मैं तब चुनावों के बाद में मैं कार से हेलीकॉप्टर वाला नेता बनने की इच्छा है मेरी। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री जो भी है, गृह मंत्री वगैरह वगैरह, हम मेहनत करेंगे तो जा सकते हैं, क्या दिक्कत है उसमें। मैं झोपड़ी में था, आप लोग नहीं लगता हो तो एक बार दोबारा फिर से जाओ। इसके साथ ही हाल ही में पैसे लेने के लगे आरोपों पर विधायक कमलेश्वर डोडियार ने कहा कि अवैध काम करवाने वाले लोग विधायक और सांसदों के पास पैसा लेकर आते हैं और उनके पास भी शराब माफिया, खनन माफिया और फर्जी क्लिनिक चलाने वाले लोग पैसा लेकर आ रहे हैं। विधायक या सांसद या कोई और प्रतिनिधि क्यों ना हो, अवैध काम करवाने वाले लोग, अवैध काम करने वाले लोग विधायकों और सांसदों के पास पैसा लेके जाते हैं, पैसा देकर को अवैध काम करवाते रहते हैं। मेरे पास भी आते ही रहते हैं। आप वो कहते हैं विधायक जी हमारे इलाके में हमारा काम चलने दो, डिस्टर्ब मत करो, ऐसा बोलते रहते हैं। मैं बताते कानून में नियम में क्या होगा, उस नियम के हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ेगा, नियमों का पालन करो, बात खत्म। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में विधायक कमलेश्वर डोडियार ने कहा कि अगर पार्टी को कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो वो खुद ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। रतलाम से सुधीर जैन, न्यूज 18। और अब बात ग्रेटर नोएडा की, जहां एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाते समय लेबर पेन शुरू हो गया और इसके बाद वो सड़क पर ही महिला तड़पने लगी और फिर दो महिला नर्स उसके लिए देवदूत बनकर आए और मौके पर ही महिला की डिलीवरी करवाई गई। बांदा में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां पर बस में महिला ने बच्ची को जन्म दिया, देखिए ये रिपोर्ट। डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है तो वहीं नर्सिंग स्टाफ भी देवदूत से कम नहीं होते। ग्रेटर नोएडा में एक महिला के लिए दो नर्स देवदूत बनकर ही आई और उसे जमाने भर की खुशियां दे दी। परी चौक पर एक गर्भवती महिला दर्द से तड़प रही थी। महिला की डिलीवरी का समय आ चुका था, उसका पति उसे डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जा रहा था लेकिन रास्ते में महिला की हालत ज्यादा खराब हो गई। वो सड़क पर ही छटपटाने लगी। जो दो नर्स हैं वो हॉस्पिटल के लिए जा रही होती हैं और जब वो उन दोनों को स्थिति में देखती हैं तो वो उनकी मदद करती हैं और कई महिलाओं के सहारे के साथ जो है कपड़ा लगाकर यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी होती है और उसके बाद उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाया जाता है क्योंकि दोनों की जो हालत थी वो सीरियस थी। और अब जो है इलाज के बाद, क्योंकि हॉस्पिटल ने लगातार तैयारियां कर ली थी, डॉक्टर ने जो है वो पहले से ही पूरा सब कुछ बता दिया था हॉस्पिटल को, हॉस्पिटल पूरी तरीके से तैयार था। अब स्थिति यह है कि महिला भी बिल्कुल ठीक है और बच्चा भी जो है वो बिल्कुल ठीक है। इस तरह दोनों नर्सों ने एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की। महिला और उसके बच्चे को जीवन दान देने का काम इन नर्सों ने किया। इस तरीके से दोनों नर्सों ने इसी परिचौक में डिलीवरी की है वो अपने आप में ये बताता है कि आज भी लोगों में इंसानियत जो है वो जिंदा है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा वाक्या बताया गया है और जो पीड़ित थी, जिनके हस्बैंड थे, उनका कहना है कि वो घंटों तक लोगों की मदद के लिए गुहार लगा रहे थे लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। जैसे ही वो दोनों नर्सें आईं तो उन्होंने बहुत जल्दी समय को देखते हुए कुछ महिलाओं से मदद ली और जल्द से जल्द जो है वो नॉर्मल डिलीवरी हुई। हालांकि पहले डॉक्टर्स ने कहा था कि ऑपरेशन से डिलीवरी होगी, उनका दूसरा बच्चा था, लेकिन अब जिस तरीके से नॉर्मल डिलीवरी हुई है
पूरा परिवार जो है वो बहुत ज्यादा खुश है। इस तरह का एक और मामला बांदा से भी सामने आया। एक रोडवेज बस महोबा से बांदा जा रही थी। मटौंद कस्बे से गर्भवती महिला बस में बैठी, लेकिन थोड़ी ही देर में महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। बाद में महिला यात्रियों ने सुरक्षित तरीके से महिला की डिलीवरी करवाई। महिला ने बच्ची को जन्म दिया है। ड्राइवर और कंडक्टर ने भी सूझबूझ का परिचय दिया। बस को अस्पताल की तरफ ले गए। बाद में मां और बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यात्री हैं, मटौन से बैठे थे। अब हमको ये मालूम नहीं था कि होने वाली है, नहीं हम दूसरा कुछ उपाय करते थे। फिर इसके बाद में बहुत तेज गाड़ी लेके और सीधा घुस के। फिलहाल माँ और बच्ची दोनों ही स्वस्थ बताए जा रहे हैं। महिला के परिजनों ने डॉक्टर, कंडक्टर और यात्रियों का तहे दिल से आभार जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। 5 की आज में हमारे साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही।